मैं सुषमा सिंह, सहायक आचार्य, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से आज आपके सम्मुख एक बार फिर से अपने व्याख्यान के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिसका कोर्स कोड है उस प्रकार से है। मैं आज अपने जिस लेक्चर के लिए उपस्थित हुई हूँ उसका कोर्स कोड इस प्रकार से है, बीएड एससी 95 आईडीडी और एंड पेपर नेम जो है आपका साइको सोशल एंड फैमिली इश्यूज एमआर है, जिसके कोर्स आउटकम्स जो हैं आप इस प्रकार से हैं, आप उसको देख सकते हैं। इस पेपर कोड में जो ब्लॉक 3 है इन्वॉल्विंग फैमिलीज है, जिसका यूनिट 7 ट्रेनिंग एंड इन्वॉल्विंग फैमिलीज इन द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस एंड पेरेंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप के नाम से है। तो आज हम इस यूनिट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेनिंग एंड इन्वॉल्विंग फैमिलीज इन द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस अलोंग विथ फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्ग पेरेंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव आउटकम्स इन वेरियस रिहैबिलिटेशन सेटिंग्स सच एज फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन। हेयर आर की स्ट्रेटजीज एंड कंसिडरेशन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है और पेरेंट्स को एक दिव्यांग व्यक्ति के पुनर्वास में सम्मिलित करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत कठिन टास्क भी है। क्यों? क्योंकि जब हम हमारे पास कोई चैलेंज आता है और तो उसके बारे में हमें समस्या से हम परिचित नहीं होते हैं, हमें उसके बारे में ये समझ नहीं होती है कि हम इसका कैसे समाधान करें या कौन से ऐसी चीज़ें अपनाएं जिससे कि हम इसको ठीक कर सकें। क्योंकि जब दिव्यांग बच्चा होता है उसकी थेरेपीज होती हैं फिजियोथेरेपी, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन, और इस तरीके से उस दिव्यांग व्यक्ति को कई स्टेजेस पर जो है हमें देखभाल की आवश्यकता पड़ती है और उस देखभाल को करना इतना आसान भी नहीं होता है, उसे हमें सीखना और समझना पड़ता है। तो उसको हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम अपनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है आपका ट्रेनिंग फैमिलीज, परिवार को प्रशिक्षण देना। क्योंकि कोई भी बच्चा है वो पूरे टाइम कहाँ रहता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम परिवार के सदस्यों को उसमें ट्रेन करें। क्योंकि जब परिवार के लोग ट्रेंड होंगे उन्हें पता होगा कि उस बच्चे को हमें कैसे क्योर करना है, कैसे उसको रखना है, तो वो अच्छे से उसको कर सकेंगे, जो कि उसके बेटरमेंट में हेल्प करेगा। फर्स्ट है एजुकेशनल वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। इसको हम करें कैसे, तो उसके लिए है कि हम वर्कशॉप और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और वर्कशॉप और सेमिनार्स के थ्रू हम ये कर सकते हैं कि हम उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो बच्चे की दिव्यांगता है, उसकी कंडीशन की क्या प्रकृति है, क्या कौन कौन सी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, इससे हम उनको अवगत करा सकते हैं। पुनर्वास के लिए कौन से गोल्स, कौन से टेक्निक्स और कौन से एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो सकते हैं, इससे भी उन्हें अवगत करा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब दिव्यांग बच्चे होते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, और कभी कभी ये भी सिचुएशन होती है कि हमें विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे बच्चे को समस्या है और हमें लगता है हमारा बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। दोनों ही चीज़ें हानिकारक है, क्योंकि आप चीज़ों को अगर सही से एनालाइज नहीं करते हैं, बच्चे की जो समस्या है, जो इस एक्चुअल स्थिति है उसको नहीं जानते हैं, तो आपके अंदर निराशा उत्पन्न हो सकती है। तो इससे बचने के लिए होता है कि हम उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें। फॉर्मेट में क्या है कि ऑफर बोथ इन पर्सन एंड ऑनलाइन सेशन। आप हम इस जो ट्रेनिंग है फैमिलीज़ की उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। आजकल आईसीटी के का यूज हर जगह है और आईसीटी से हर कोई परिचित है, हर गांव हो या शहर हो, हर जगह लोग आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों मोड में करते हैं तो हम जो आने में सक्षम होगा वो आपके प्रशिक्षण में सम्मिलित हो सकता है, अगर नहीं आ सकता है तो भी वो ऑनलाइन इस चीज़ों को सीख सकता है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दूसरा हम कर सकते हैं कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम प्रैक्टिकल स्किल्स जो भी हैं उसमें पेरेंट्स को कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं, थेरेपीज हैं या जो भी हमें इंटरवेंशन देने हैं उनको हम उनसे सिखा सकते हैं, जिससे कि वो घर पर उस चीज़ को बच्चे को करा पाएंगे।
Simulation and role playing allow parents to practice skills in a controlled environment with professional guidance. इससे तात्पर्य यह है कि हम जो भी चीज़ पेरेंट को सिखा रहे हैं उसको हमें प्रोफेशनल्स के सुपरविजन में करना चाहिए पहले. ये नहीं कि हमने सीखा और बच्चे पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. हमें उसको सीखने के बाद पेरेंट्स के सामने उसको करके दिखाना है और पेरेंट्स प्रोफेशनल्स जो हैं उसमें हम हमारे जो भी कमी है उसमें फिर से सुधार करेंगे और जब हमें लगेगा कि हम परफेक्ट हो गए हैं तब हम उन्हें उन चीज़ों को बच्चों पर क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं. थर्ड है आपका रिसोर्स प्रोविज़न. रिसोर्स प्रोविजन्स में आप जो रिसोर्स मतलब संसाधन का जो प्रावधान है वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कि रिटेन मटेरियल्स में और डिजिटल रिसोर्सेज दो टाइप के हैं यहाँ पे. कि आप रिटेन मटेरियल्स भी पेरेंट्स को दे सकते हैं जिसमें कि आप बुकलेट्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, गाइड्स भी कुछ आती हैं जो आप उन्हें दे सकते हैं एंड हैंड आउट्स विथ डिटेल इंस्ट्रक्शन एंड विजुअल एड्स. ऐसे गाइड्स बुकलेट्स और हैंड आउट्स हैं जिन्हें आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे जिसमें भी पिक्चर्स भी बने होते हैं जिसको देखकर भी पेरेंट्स काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और डिटेल में उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं और हमने ध्यान से नहीं सुना या नहीं देखा तो चीज़ें हमें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं होती, लेकिन जब हमारे पास रिटेन फॉर्मेट में होता है तो हम जब चाहें अपनी सुविधा के अनुसार उसे खोल के पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं. डिजिटल रिसोर्सेज. डिजिटल रिसोर्सेज में क्या है कि शेयर वीडियोज, एप्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स एंड ट्रैकिंग टूल्स. डिजिटल रिसोर्सेज में आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, कुछ ऐप्स के बारे में बता सकते हैं एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी दे सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप उनको आप उस चीज़ों को सिखा सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ हमने जो जानकारी उन्हें दी है एक्चुअल में उसको वो ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. सपोर्ट ग्रुप्स एंड पीयर लर्निंग. फोर्थ आप ये कर सकते हैं कि पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स बना सकते हैं एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स. टू टाइप्स के हैं. पेरेंट सपोर्ट ग्रुप से तात्पर्य यह है कि जो भी पेरेंट्स हैं उनको उनका एक ग्रुप बना देंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो भी उनके अपने अनुभव है जो भी वो एक दूसरे को सलाह मशवरा दे सकते हैं तो उससे भी उनको अपने प्रॉब्लम्स को समझने में और उसको ओवरकम करने में उनको हेल्प मिल सकती है. क्योंकि जब एक तरह की समस्या वाले लोग जब एक साथ होते हैं तो वो उस पर विचार विमर्श करके उन चीज़ों को बेहतर बनाने में अपना योगदान भी दे सकते हैं. तो इसलिए पेरेंट का जो सपोर्ट ग्रुप्स है उसका भी हम निर्माण कर सकते हैं. मेंटरशिप प्रोग्राम्स. मेंटरशिप प्रोग्राम से तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे पेरेंट्स एक्सपीरियंस हैं जो जिनके पास ऑलरेडी पहले से ऐसी समस्याएँ हैं और वो उन्होंने बहुत कुछ उसमें सीख लिया है और उससे अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं तो जो न्यूली पेरेंट्स हैं जिनके पास अभी समस्या जस्ट उन्होंने फेस करना स्टार्ट किया है तो जब हम उन दोनों को भी एक साथ अगर पेयर कर देते हैं तो वो उनसे भी अपने गाइडेंस ले सकते हैं और उनसे मेंटरशिप प्राप्त करके चीज़ों में अपनी हेल्प ले सकते हैं और उसको बेटर करने में वो भी उनसे उनके लिए मददगार साबित हो सकता है. अभी तक तो हमने जो बात की वो पेरेंट्स के ट्रेनिंग की बात की कि उनको ट्रेनिंग देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. ट्रेनिंग देने के बाद हम इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं. ट्रेनिंग तो हमने दे दिया, अब फैमिलीज़ को हम रिहेबिलिटेशन का बच्चे को देने में प्रोफेशनल्स जो हैं उनको कैसे इन्वॉल्व करेंगे उसके लिए भी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसको फॉलो करके हम उसको बेटर इन्वॉल्व कर सकते हैं. पहला है कोलाबरेटिव गोल सेटिंग जिसमें इंक्लूसिव डिस्कशन, रेगुलर अपडेट्स. इंक्लूसिव डिस्कशन से तात्पर्य आपका यह है कि इन्वॉल्व पेरेंट्स इन अ सेटिंग रियलिस्टिक एंड मीनिंगफुल रिहैबिलिटेशन गोल्स फॉर देयर चाइल्ड. इंक्लूसिव डिस्कशन समावेशी चर्चा कि जो भी पेरेंट्स की जो पेरेंट्स जिस सेटिंग्स में हैं उनके जो भी पुनर्वास को लेकर उनके जो भी लक्ष्य हैं बच्चे के लिए वो रियलिस्टिक और मीनिंगफुल होने चाहिए. रियलिस्टिक मतलब कि वास्तविक हो और उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए. क्योंकि रियलिस्टिक नहीं होंगे अगर हम पेरेंट्स को भ्रम में रखेंगे कि बच्चे की समस्या कुछ और है और हम उस समस्या से उन्हें अवगत नहीं करा के बता दें कि नहीं नहीं बच्चा बहुत कुछ कर सकता है तो उससे क्या होता है कि उस बच्चे पर भी प्रेशर बढ़ता है और पेरेंट्स की भी जो भी उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाती हैं और दोनों स्ट्रेस का कारण बनती हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमेशा वास्तविक चीज़ों से पेरेंट्स को अवगत कराना है और बच्चे के लिए वैसे गोल्स हमें लेने हैं जो उसके लिए मीनिंगफुल हों
उसके सामर्थ्य के और उसके उम्र के अनुसार एप्रोप्रिएट हो। रेगुलर अपडेट्स, कीप पेरेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोग्रेस एंड एनी एडजस्टमेंट नीडेड इन द प्लान। रेगुलर अपडेट्स का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स को जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं बच्चे के प्रोग्रेस से संबंधित, तो उसमें हमें क्या करना है कि एडजस्टमेंट नीडेड इन द प्लान। अगर हमने मान लीजिए कोई प्लान बनाया और हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें ऐसा फील होता है कि ये इस तरीके से बच्चे में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है या ये स्किल उतना सुटेबल नहीं है, तो हम उस प्लान में कुछ चेंजेस ले आते हैं। उस प्लान में जो भी हम चेंजेस ले आते हैं उस हमें जोड़ना है, और जोड़ने के साथ उस अपडेट को भी हमें पेरेंट्स को बताना है कि इस वजह से हमने इस प्लान में ये बदलाव किए हैं। सेकेंड है आपका होम प्रोग्राम्स, जिसमें कस्टमाइजेशन और कंसिस्टेंसी दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। डेवलप होम बेस्ड प्रोग्राम्स टेलर टू द फैमिलीज रूटीन एंड रिसोर्सेज। देखिए, जब भी हम बच्चे के लिए कोई होम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो इसलिए बनाते हैं कि बच्चे को जो भी हम थेरेपीज दे रहे हैं वो अच्छे से, जैसे प्रोफेशनल्स वन टाइम क्लिनिक पे दे रहे हैं या किसी सेंटर में दे रहे हैं, तो वही सेम चीज़ घर पे वन टाइम कंटिन्यूड हो, जिससे कि बच्चे का जो जितनी आवश्यकता है कि हाँ उसे टू टाइम थेरेपीज की ज़रूरत है तो वो फुलफिल की जा सके। बट उसमें हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि फैमिली के जो भी रूटीन है और जो भी रिसोर्सेज वहाँ हैं, जो भी संसाधन उनके पास हैं, उन्हें हमें मुख्य रूप से उसमें ध्यान में रखना होता है कि पेरेंट्स के डेली रूटीन कैसा है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी होती है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें उस प्लान को बना के उन्हें देना होता है। उनके पास, जैसे मान लीजिए कि हम थेरेपीज कराते हैं और उसमें हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है जो कि सेंटर्स पर तो उपलब्ध है बट घर पे हो सकता है नहीं है। कुछ पेरेंट्स होता है कि हाँ परचेज करने में सक्षम होते हैं तो वो घर पे भी उन सारे इक्विपमेंट्स को रख लेते हैं, बट कुछ जगहों पर ऐसा है कि वो नहीं खरीद सकते या नहीं रख सकते, तो वहाँ पर संसाधन की जो है कमी होती है। तो हमें उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा होम बेस्ड प्लान बनाते समय कि पेरेंट्स के रिसोर्सेज कैसे हैं और वो उसमें कितना मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हमने प्लान बना के दे दिया बट पेरेंट्स उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो फिर आपका जो प्लान होगा वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी, इंश्योर द एक्सरसाइज एंड इंटरवेंशंस आर कंसिस्टेंट विथ व्हाट इज बीइंग डन इन प्रोफेशनल सेटिंग। जो भी चीज़ें हम सिखा रहे हैं पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए, तो हमें उसमें एक कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कार्य हम करते हैं अगर लगातार करते हैं और रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो उसमें रिजल्ट नो डाउट बहुत ही बेटर हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी एक्सरसाइजेस या जो भी इंटरवेंशंस पेरेंट्स को बताए गए हैं वो प्रोफेशनल सेटिंग्स में जो ऐसे किए जा रहे हैं क्या वैसे ही घर पे भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें इसको हमेशा लगातार देखते और चेक करते रहना होगा। थर्ड है आपका फीडबैक मैकेनिज्म्स, जिसमें कि रेगुलर चेकिंग्स और ओपन कम्युनिकेशन दो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। शेड्यूल पीरियोडिक मीटिंग्स आर कॉज टू डिस्कस द चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड एनी चैलेंजेस फेस्ड एट होम। रेगुलर हमें उस चीज़ों को चेक करना पड़ेगा और हमें कुछ टाइम पे मीटिंग्स को शेड्यूल करना पड़ेगा, टाइम टेबल ऐसे बनाना पड़ेगा कि जैसे कि हम पेरेंट्स के साथ मीट कर सकें, या पेरेंट को कोई प्रोग्रेस, बच्चे के प्रोग्रेस संबंधी कोई भी समस्या आती है तो घर पे आती है तो वो कॉल कर सकें आपसे या फिर मिल के उसको डिस्कस कर सकें। तो इसके लिए आपको इसको भी रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना होगा कि बच्चे को, जो पेरेंट्स घर पे बच्चे को करा रहे हैं उन्हें कोई इस तरह की विशेष समस्याएं अगर आ रही हैं तो उसके लिए हम क्या करें जैसे कि वो हमें हमारे साथ उन चीज़ों को डिस्कस कर सकें। ओपन कम्युनिकेशन, इनकरेज पेरेंट्स टू शेयर ऑब्जर्वेशंस एंड कंसर्न्स फ्रीली। देखिए, ओपन कम्युनिकेशन ये बहुत ही एक सामान्य बात कह लीजिए या कह लीजिए कि बहुत ही मुख्य है, क्योंकि सामान्य बात इसलिए है कि जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं या संचार करते हैं तो अगर हम फ्रीली नहीं करते हैं, अगर हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम अपनी बातों को पूरी तरीके से शेयर नहीं कर सकते हैं करते हैं तो समस्याएँ हमारी सॉल्व नहीं हो पाती हैं क्योंकि हम खुल के अपनी बात को कह ही नहीं रहे हैं। तो और कई बार ऐसे होते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो
उनके साथ इंसान बहुत ही कंफर्टेबल होता है और अपनी बात को खुल के कह पाता है। कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जिनसे आप अपनी खुल की बात नहीं कह पाते हैं। तो अगर प्रोफेशनल्स से आप खुल के अपनी बात कह पा रहे हैं तो वहीं वो चीज़ सरल हो जाती है, अपनी सारी बातों को आप इजिली कह पाते हैं और उनसे उचित समाधान भी ले पाते हैं। लेकिन जहाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से शेयर ही नहीं कर पाते हैं तो वहाँ समस्या बहुत जटिल हो जाती है और वहाँ पर आपको क्या होता है कि आप फिर अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स न तो कह पाते हैं और ना ही उसका उचित समाधान प्राप्त कर पाते हैं। तो ओपन कम्युनिकेशन के लिए हमें कोशिश करनी है कि जो भी कम्युनिकेशन हो वो फ्रीली हो, जिससे कि पेरेंट्स जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स को बताने में या शेयर करने के लिए इनकरेज हों, मोटिवेट हों, ना कि वो उसके लिए हेल्पलेस फील करें। अब जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है पेरेंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप। पेरेंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप से तात्पर्य आपका यहाँ पे है कि जो भी माता पिता या अभिभावक हैं उनके, वो जिस समस्या के समाधान के लिए जिस प्रोफेशनल से जो मिलते हैं, डॉक्टर्स हो गए या थेरेपिस्ट हो गए या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए या स्पेशल एजुकेटर्स हो गए, तो उनके रिश्ते जितने मजबूत होंगे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वो उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके लिए भी हमने कुछ स्ट्रेटजीज यहाँ पे हैं जिसे हम देख सकते हैं। फर्स्ट है बिल्डिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिलेशनशिप में। वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, बी ओपन अबाउट द चाइल्ड्स कंडीशन, द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। जो भी प्रोफेशनल के संपर्क में पेरेंट्स आते हैं, तो इसके पहले भी मैंने चर्चा की कि जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, क्योंकि हम किसी प्रोफेशनल के पास इसीलिए जाते हैं ताकि हमारे बच्चे की जो भी समस्याएं हो ठीक हो सके और हमारा बच्चा प्रोग्रेस कर सके, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा बच्चा इतना स्लो क्यों काम करता है या हमारा बच्चा इस चीज़ को क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है। तो आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो, उसके बारे में हमें प्रोफेशनल से खुल के बात करनी है। और प्रोफेशनल्स का यहाँ पे ये रोल है कि वो जो भी बच्चे की एक्चुअल सिचुएशंस है उसको अच्छे से एनालिसिस करे, उसको ऑब्जर्व करके पेरेंट्स को जो भी बच्चे की वर्तमान स्थिति है उससे उन्हें अवगत कराए। इसके बाद आपका है एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट से का तात्पर्य है कि पहले हम बात करते थे सिंपैथी की, कि जब भी किसी बच्चे किसी व्यक्ति के पास समस्या होती है तो हमें उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। बट समय के साथ इस सोच में भी परिवर्तन आ गया है कि अब हम सिंपैथी की नहीं एम्पैथी की बात करते हैं। एम्पैथी मतलब पहले सहानुभूति की बात करते थे, एम्पैथी मीन्स अब हम समानुभूति की बात करते हैं। समानुभूति से क्या होगा कि हम जो सामने वाले व्यक्ति की जो भी समस्याएँ हैं, जो भी तकलीफ है, उसको हम खुद पर महसूस करें, हम खुद जाने कि अगर वैसे सिचुएशन में हम होते तो हमें कैसा लगता या फिर हम क्या उम्मीद करते हैं। तो जब ये भाव हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर एक सम्मान का भाव भी आ जाता है, क्योंकि जब हम अपनी सिचुएशंस को, अपनी समस्याओं को बेटर समझ सकते हैं और जब हम दूसरे की समस्याओं को भी अपना समझ के वो करते हैं तो हम उसके लिए एक सम्मान का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द पेरेंट्स पर्सपेक्टिव एंड इमोशंस। पेरेंट का जो भी नज़रिया है या जो भी उनके भावनाएं हैं उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन। एक्टिव लिसनिंग में क्या करना है? पे क्लोज अटेंशन टू पेरेंट्स इनपुट एंड कंसर्न। आपको क्लोज अटेंशन, एक्टिव लिसनिंग, जब हम एक्टिव लिसनिंग से तात्पर्य यह है कि जब हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, जब वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर रहे हैं तो आपको एक्टिवली सुनना है, उनको उनके साथ आई कांटेक्ट को अपने मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और आप किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं, आप कुछ कर रहे हैं और पेरेंट्स अपना प्रॉब्लम्स बताए जा रहे हैं और आप उसको सही से सुन नहीं रहे हैं। तो इससे भी क्या होता है, आपका रिलेशनशिप जो है अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाता है। तो इसको अच्छा करने के लिए आपको जो भी पेरेंट्स अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है। क्लियर इन्फॉर्मेशन, यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज एंड एवॉइड जॉर्गन व्हेन एक्सप्लेनिंग मेडिकल और थेरेप्यूटिक कॉन्सेप्ट्स। जो भी हम इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को दे रहे हैं उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उन्हें एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले, लाइक कि हम प्रोफेशनल्स हैं तो हम बहुत सारे ऐसे टर्म, बहुत सारे ऐसे
टर्म्स होते हैं जो मेडिकल लैंग्वेज में होते हैं या फिर थेरेपेटिक लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं, बट पेरेंट्स अगर उसे परिचित नहीं है तो हमें उन्हें सिंपल वर्ड्स में, सरल भाषा में उन्हें उसको समझाना चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स समझ सकें कि आप उनसे किस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है थर्ड पॉइंट, कोलाबरेटिव अप्रोच, टीम एफर्ट एंड शेयर डिसीजन मेकिंग। टीम एफर्ट से तात्पर्य यह है कि एम्फेसाइज दैट द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन प्रोफेशनल एंड फैमिलीज। जब हम दिव्यांग बच्चे के लिए कोई भी प्लान करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे टीम्स एफर्ट लगते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, बहुविशेषज्ञ दल जिसे कहते हैं। सपोज बच्चे को, बच्चा स्पेशल स्कूल में जाता है या किसी सेंटर में जाता है तो उसको फिजियोथेरेपीज़ होती हैं, फिर उसके ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, फिर उसका स्पेशल एजुकेशन के लिए क्लासेस चलती हैं, तो अलग अलग जो भी प्रोफेशनल्स के पास बच्चा जाता है, तो इस तरीके से टीम एफर्ट्स उसमें लगते हैं। बच्चा जो है अलग अलग टीम प्रोफेशनल्स के पास। टीम एफर्ट एम्फसाइज दैट रिहैबिलिटेशन प्रोसेस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन प्रोफेशनल एंड फैमिलीज। इस बात पर हमें जोर देना चाहिए कि बच्चे के पुनर्वास में जितना रोल पेरेंट्स का है उतना रोल प्रोफेशनल्स का है, और पेरेंट्स और प्रोफेशनल दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि वो एक टीम की तरह काम उन्हें करना पड़ता है। हमें उन चीज़ों को सीखना है जो हमें नहीं आती है, हमें उन चीज़ों को बताना है जो हम घर पे बच्चे के लिए, पेरेंट्स कई बार होता है कि वो सिंपल वे में भी चीज़ें करते हैं और उससे बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव दिखने लगता है। तो हमें क्या करना, दोनों को अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है, दोनों को बातचीत के द्वारा एक अच्छा टीम तैयार करना है, और टीम एफर्ट्स जब लगेगा तो बच्चे के प्रोग्रेस में उसको हेल्पफुल होगा। शेयर डिसीजन मेकिंग, इन्वॉल्व पेरेंट्स इन डिसीजंस अबाउट ट्रीटमेंट प्लान्स एंड एनी चेंजेस नीडेड। जो भी हम डिसीजन बच्चे के लिए लेते हैं एज अ प्रोफेशनल, तो हमें बच्चे के जो ट्रीटमेंट प्लान्स है या उसमें कोई भी बदलाव अगर हम लेते हैं तो उस डिसीजन से हमें पेरेंट्स को भी अवगत कराना चाहिए। फोर्थ, प्रोफेशनल बाउंड्रीज। प्रोफेशनल बाउंड्रीज में देखिए जो है रिस्पेक्ट और कंसिस्टेंसी दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा। कि फर्स्ट है आपका रिस्पेक्ट, जिसमें कि मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड रिस्पेक्टिंग द फैमिलीज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद देयर चाइल्ड। बैलेंस करना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सपोज करिए कि आप एक प्रोफेशनल हैं जिसने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, बहुत सारी डिग्रीज ली हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा पेरेंट्स आता है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि बैलेंस करना है। वहाँ पे आपको उन फैमिलीज के नॉलेज और उनके जो भी अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है और उसके बीच में एक बैलेंस बनाना है कि आप चीज़ों को कैसे कितने सरलतम रूप में पेरेंट्स को समझा पाते हैं, बता पाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है किसी भी प्रोफेशनल के लिए, कि वो अपनी चीज़ों को बहुत ही आसान या सिंपल वे में किसी पेरेंट्स तक पहुंचा सके। कंसिस्टेंसी, इंश्योर ऑल टीम मेंबर्स आर ऑन द सेम पेज टू अवॉइड मिक्स्ड मैसेजेस। जो भी कंसिस्टेंसी भी इसमें भी मेंटेन करना है आपको, इसलिए कि जो भी आप बच्चे के लिए प्लान करते हैं, जो भी आप डिसीजंस बनाते हैं, तो वो सबको एक सेम मैसेज जाना चाहिए, ना कि मिक्स्ड आप उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला जुला के और अलग अलग वे में आप लोग काम करेंगे, तो वो बच्चे के लिए हेल्पफुल नहीं होगा और बच्चे के प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हम बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी हो। बेनिफिट्स ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, अब जो हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं कि हम फैमिलीज़ को प्रशिक्षण दे रहे हैं, हम फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उन सबका मुख्य लक्ष्य क्या है? हमारा मुख्य लक्ष्य हमारा यही है ना कि हम बच्चे को के सर्वांगीण विकास में मददगार साबित हों। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि इनहांस्ड आउटकम्स। चिल्ड्रेन टेंड टू मेक बेटर प्रोग्रेस व्हेन देयर फैमिलीज आर एक्टिवली इन्वॉल्व एंड सपोर्टिव। किसी भी दिव्यांग बच्चे के परिवार के सदस्य अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, के लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उस पर कार्य करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम जो उसके आउटकम्स हैं, बच्चे के जो प्रोग्रेस है, उसको हम बढ़ा सकते हैं।
इसके लिए हमें फैमिलीज एम्पावरमेंट, फैमिलीज फील मोर कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू देयर चाइल्ड्स रिहेबिलिटेशन। जब हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं और इन्वॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि फैमिलीज जो होती हैं एक सशक्तता महसूस करती हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कोई भी व्यक्ति है जब उसके पास कोई चैलेंज होता है, समस्या होती है, तो वो सशक्त तब तक महसूस नहीं करता जब तक उन चीज़ों को वो करना अच्छे से सीख नहीं जाता। और जब हम किसी भी समस्या से बाहर निकलना सीख जाते हैं तो हमारी कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होती है। कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कंसिस्टेंट अप्रोचेज अक्रॉस होम एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स रीइन्फोर्स द चाइल्ड्स लर्निंग द अडॉप्टेशन। हमें कंटिन्यूटी का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी हम अप्रोच कर रहे हैं घर पे या प्रोफेशनल सेटिंग्स में, जो भी बच्चे के लिए हम अडॉप्टेशन कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी कितनी है, उसको हम कितने कितने समय पे कर रहे हैं, कितने टाइम होना चाहिए, जितना होना चाहिए वो सफिशियंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें कंटिन्यूटी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि चीज़ें अगर कंटिन्यूस होती हैं तो उस प्रोग्रेस होने के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं। इमोशनल सपोर्ट, फैमिलीज कैन बेटर कोप विद द चैलेंजेस ऑफ रिहेबिलिटेशन व्हेन दे आर इन्फॉर्म एंड इन्वॉल्व। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब व्यक्ति परेशान होता है और उसको कोई समझता नहीं है, उसकी भावनाओं का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उस समय उसके लिए उसकी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमें एज अ प्रोफेशनल क्या करना है कि फैमिलीज को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से उस चीज़ में समायोजन कर सके और बच्चे का पुनर्वास जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो वो कैसे होता है, जब हम फैमिलीज को जो भी पुनर्वास से संबंधित चीज़ें हैं उसमें वो उनको इन्फॉर्म करते हैं और उनको इन्वॉल्व करके इन चीज़ों को हम हासिल कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। कंक्लूज़न इस प्रकार से है कि हमने अभी जो व्याख्यान देखा या उस पर चर्चा की, उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि हमारे पास जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं या जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनका जल्दी से जल्दी अर्ली इंटरवेंशन उनको मिलना चाहिए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, अर्ली इंटरवेंशन मिलना चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स एक अच्छी टीम बना के बच्चे के बेटरमेंट के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए मिलजुल कर कार्य कर सकें और बच्चे के विकास में अपना भरपूर सहयोग दे सके। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, एक दूसरे की समानुभूति रखेंगे, तो हम उस बच्चे के बेटरमेंट के लिए मिलजुल कर बढ़िया कार्य कर सकते हैं और बच्चे के प्रोग्रेस में दोनों मददगार साबित हो सकते हैं। थैंक यू।